हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड अंकित और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नई केस स्टडी डिस्कस करने वाला हूं। तो ये केस स्टडी है सुजलोन एनर्जी कंपनी पे। तो डेफिनेटली हम लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं, तो ये हम जरूर डिस्कस करेंगे कि आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। आज की इस केस स्टडी में आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा कि सुजलोन एनर्जी जो कंपनी है ये किस बिजनेस में है, क्या इस कंपनी की एक ब्रीफ हिस्ट्री है। देखिए, सुजलोन एनर्जी जो कंपनी है इसका शेयर प्राइस है 8 रुपए। जितना कम एक कंपनी का शेयर प्राइस होता है उतना ही ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स को उस कंपनी में इन्वेस्ट करने की इंटरेस्ट होता है। तो आज की इस केस स्टडी में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में सुजलोन एनर्जी जो कंपनी है वो किस बिजनेस में है, क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट है, ये कंपनी काम क्या करती है। उसके बाद थोड़ी सी नजर हम डालेंगे इस कंपनी की हिस्ट्री पे। एक टाइम ऐसा था जब ये शेयर 350-400 के आसपास ट्रेड करता था और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस 8 रुपए है। तो ऐसा क्या हुआ? देखिए, आपको भी पता होगा कि ये कंपनी जो है 3 बार बैंकक्रप्ट होने से बची है। तो ऐसा क्या हुआ जिससे इसके 350-400 रुपए वाला शेयर प्राइस गिर के 8 रुपए पे आ गया? तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अगर आप इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको इसको होल्ड करके रखना चाहिए या फिर आपको इसको सेल कर देना चाहिए, या फिर अगर आप प्लान कर रहे हो स्टॉक में इन्वेस्ट करने का तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और अगर आप चाहते हो इसी तरह की क्वालिटी वीडियोस मैं आपके लिए क्रिएट करता रहूं तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट www.equitywisdom.in चेकआउट जरूर कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप बिगनर हो तो बिगनर्स के लिए भी मैंने इस वेबसाइट पर कोर्सेज क्रिएट करे हैं, तो आप डेफिनेटली मेरी वेबसाइट को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं और फटाफट देख लेते हैं कि सुजलोन एनर्जी जो कंपनी है ये एक्चुअली में करती क्या है, इस कंपनी का बिजनेस क्या है। देखिए, सुजलोन एनर्जी जो कंपनी है वो रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में है। बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, विंड पावर को यूज करके, आपने डेफिनेटली विंड मिल्स कभी ना कभी अपने लाइफ में देखे होंगे, तो ये विंड पावर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो ये इस कंपनी का मेन बिजनेस है जिसमें ये पिछले 25 से ज्यादा सालों से ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा रिसेंटली इस कंपनी ने सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करनी भी स्टार्ट करी है। एक ओवरव्यू मैं इसके बिजनेस का आपको देता हूं जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि बेसिकली क्या करते हैं। सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, जो भी इनके पास क्लाइंट आता है उसके लिए ये स्टडी करते हैं कि कहां पर ये उनके लिए एक प्लांट सेटअप करके दे सकते हैं, ठीक है। फिर उस स्टडी के बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि कैसा इंजीनियरिंग डिजाइन होना चाहिए, जो विंड मिल या विंड टर्बाइन ये प्लान कर रहे हैं मैन्युफैक्चर करने का, इंस्टॉल करने का, उसका ये डिजाइन तैयार करते हैं, उसके बेसिस पे ये विंड टर्बाइन और उसके कॉम्पोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर एक बार जब जो विंड मिल और जो उसके कॉम्पोनेंट्स मैन्युफैक्चर हो जाते हैं फिर उसको ये ट्रांसपोर्ट करते हैं जहां पर इनको इसको इंस्टॉल करना है, और फाइनली उसको इंस्टॉल करते हैं और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक बार प्लांट स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद 24/7 उसके जो ऑपरेशंस हैं और मेंटेनेंस है वो भी ये कंपनी देखती है। तो बेसिकली आपको समझ आ गया है, ये आपको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करके दे रही है और एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, मतलब स्क्रैच से आपको बना के भी दे रही है और उसके बाद जो आपका जो प्लांट सेटअप हुआ है, जो आपकी विंड मिल, जो विंड टर्बाइन सेटअप हुआ है जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको ऑपरेट भी करके दे रही है। तो ये एंड टू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, ये आपको प्लांट लगा के भी देगी, स्टार्ट करके भी देगी और चला के भी देगी, और उसके बाद जो भी उसकी ऑपरेशंस और मेंटेनेंस होगी वो भी सारे यही कंपनी हैंडल करेगी, ठीक है। 2020 में इन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा विंड टर्बाइन ब्लेड भी सेटअप किया। आज की डेट में अगर हम बात करें तो इस कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 19.4 गीगावाट विंड एनर्जी ये प्रोड्यूस करते हैं 17 देशों में 6 कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो ये इस कंपनी का बिजनेस था, आपको आई होप समझ आ गया होगा, एक ब्रीफली आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। चलिए फटाफट इस कंपनी की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जिस कंपनी में देखिए आप प्लान कर रहे हो इन्वेस्ट करने का या आप ऑलरेडी उसका शेयर खरीद के बैठे हो तो आपको उस कंपनी के बारे में अच्छे से सब कुछ पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए पिछले कुछ सालों में उस कंपनी में ऐसा क्या इवेंट हुआ, इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि आज की डेट में जो कंपनी परफॉर्म कर रही है उसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, कौन से फैक्टर्स उसको आगे भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो फटाफट जानने की कोशिश करते हैं इसकी क्या हिस्ट्री है। देखिए, 1995 में तुलसी तांती नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। बेसिकली इस कंपनी को स्टार्ट करने से पहले वो एक टेक्सटाइल कंपनी चलाते थे, ठीक है। तो टेक्सटाइल कंपनी चलाते थे तो उनको बिजली की बहुत ज्यादा समस्या थी। उस जमाने में क्या होता था, इंडिया में बहुत ज्यादा पावर कट्स होते थे और जो इलेक्ट्रिसिटी आती थी स्पेशली जो इंडस्ट्रीज के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, कंपनीज के लिए जहां पर मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी आती थी उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी। और बहुत बार तो ऐसा होता था कि कंपनी जितना पैसा कमाती थी उससे ज्यादा तो उनका इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसिस पे ही खर्च हो जाता था। तो इस
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को रिड्यूस करने के लिए तुलसी ताती जी को आइडिया आया कि वो अपना ही कोई एक प्लांट लगा लेते हैं जहां से उनकी इलेक्ट्रिसिटी वो अपनी पर्सनल यूज के लिए मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। तो थोड़ा सा उन्होंने रिसर्च किया तो उनको समझ में आया, उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी, उनको लगा कि मैं टेक्सटाइल के बिजनेस को छोड़ के इसी बिजनेस में आ जाता हूं, विंड एनर्जी के बिजनेस में आ जाता हूं कि विंड मिल को यूज करके, विंड टर्बाइन को यूज करके, विंड एनर्जी को यूज करके मैं बिजली प्रोड्यूस करूंगा और 24/7 24 घंटे बिजली सप्लाई करूंगा कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज। ठीक है, तो ये इस कंपनी की हिस्ट्री है। ये ऐसे इस कंपनी का जो है स्टार्ट करने का, इस बिजनेस को स्टार्ट करने का आइडिया इसके फाउंडर को आया। तो 1995 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, लेकिन इसकी जो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है वो हुई है ईयर 2003-2007 के दौरान। तो जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्या हुआ उस टाइम जिस वजह से ये कंपनी उस वक्त बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रही थी। देखिए, इस कंपनी के रैपिडली ग्रो करने के पीछे का सबसे मेन रीजन था इस कंपनी का बिजनेस मॉडल। आप कुछ समझ सकते हो, जो एक विंड मिल होती है जो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये पूरा एक प्लांट इंस्टॉल किया जाता है, ये कितना बड़ा प्लांट होता है, ये कितना बड़ा काम होता है, बड़े लेवल का काम होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, राइट। तो ऑब्वियसली आज की डेट में आप क्लाइंट तो फाइंड आउट कर लोगे जिनको 24/7 बिजली चाहिए होगी, रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए होगी, सस्ती बिजली चाहिए होगी, लेकिन घूम फिर के वो आपको ये जवाब जरूर देंगे कि हम इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इस कंपनी ने जो भी ग्रोथ करी उसके पीछे था इसका यूनिक बिजनेस मॉडल। और इसका बिजनेस मॉडल क्या था, ये 25% पैसा बोलती थी क्लाइंट को कि तुम अपनी जेब से लगाओ, जो आपने प्लांट सेटअप करवाना है इस कंपनी से उसकी मान लीजिए 100 करोड़ की मान लीजिए टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो ये बोलती थी आप 25 करोड़ आप लगाओ, बाकी के 75 करोड़ यानी कि बाकी की 75% कैपिटल ये लोग अरेंज करके देंगे। तो ये लोग कहां से अरेंज करते थे, ये बैंक्स को बोलते थे कि आप फाइनेंस करो। तो स्टार्टिंग में बैंक्स ने इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में फाइनेंस करने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन जैसे जैसे सुजलोन कंपनी की ग्रोथ हुई, जैसे जैसे इसका क्लाइंट बेस बढ़ा, बैंकिंग बैंक्स को इसका बिजनेस समझ में आया, तो बैंक्स ने भी इनके कस्टमर्स को फाइनेंस करना स्टार्ट कर दिया। तो यही मेन कारण था, यही एक रीजन था जिसकी वजह से इसका बिजनेस बहुत रैपिड पेस से 2003-2007 के दौरान ग्रो हुआ। तो 2003-2007 के दौरान जब ये कंपनी इतने अच्छे से ग्रो कर रही थी, तो ऐसा क्या हुआ कि 2007 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 350-400 के आसपास ये ट्रेड करता था, और एकदम से 2008 में स्टॉक का प्राइस जो है क्रैश कर गया। तो क्या कारण थे जो इस कंपनी के दिन बदले, तो चलिए अब फटाफट वो डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है, मोस्टली जितने भी स्टॉक मार्केट में कंपनीज हैं या कोई भी बिजनेस होता है, वो जब ग्रो कर रहा होता है तो एक फेज में आने के बाद, एक स्टेज पे आने के बाद बिजनेस को ग्रो कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब तक आप बिजनेस को ग्रो कर रहे हो तब तक तो आपके शेयर का प्राइस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली आपका शेयर का प्राइस जरूर बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम के बाद जब कंपनी की ग्रोथ स्टेग्नेंट हो जाती है, कंपनी एक मैच्योर फेज में पहुंच जाती है, तो उस टाइम पर कंपनी को फर्दर ग्रो कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे कंपनीज क्या करती हैं, देखिए अगर आपको शेयर प्राइस को कंसिस्टेंटली ऊपर लेके जाना है तो आपको बिजनेस भी ग्रो करना पड़ेगा। और अगर आप नेचुरली ऑर्गेनिकली बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते, अगर आप अपनी सेल्स को इंक्रीज नहीं कर सकते, तो फिर कंपनीज दूसरा मेथड ढूंढती है और वो होता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ का। इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब, देखिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब है मर्जर्स एंड एक्विजिशन, यानी एक कंपनी क्या करती है जो ग्रो नहीं कर पा रही, वो चाहती है कि अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, लेकिन एक फेज के बाद अब वो ग्रो नहीं कर पा रही, तो इनऑर्गेनिकली कैसे ग्रो करेगी, वो दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेगी। दूसरी कंपनी को एक्वायर करके अपने अंदर अपने बिजनेस में मर्ज कर लिया, उससे क्या होगा, उसकी सेल्स बढ़ जाएगी, उसकी एसेट्स बढ़ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, कंपनी का बिजनेस और बढ़ जाएगा। कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। यही गलतियां मोस्टली कंपनीज करती हैं, अपनी कंपनी को और एक्सपेंड करने के चक्कर में अंधाधुंध कंपनीज को एक्वायर करना स्टार्ट देती है। और यही हुआ सजलोन के केस में। सजलोन ने क्या किया, एक के बाद एक कंपनीज को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। 2006 में उन्होंने बेल्जियम की एक कंपनी थी हैंसन ट्रांसमिशन, उसको $565 मिलियन पे करके एक्वायर किया, ठीक है। उसके बाद 2007 में इन्होंने जर्मनी की एक कंपनी थी सेनवियन, उसको $1.6 बिलियन देके एक्वायर किया। और मोस्टली केसेस में होता क्या है, जो भी ये टेक ओवर्स होते हैं, जो भी ये मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं, इसमें जो कंपनी जिस कंपनी को आप एक्वायर करने जा रहे हो, टेक ओवर करने जा रहे हो, मोस्टली आप उसकी जितनी वैल्यू होती है उससे ज्यादा ही पे करके आते हो। तो यही सुजलोन के साथ हुआ। इन्होंने क्या किया, कर्जा ले लेके बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर किया, सिर्फ इसी चक्कर में कि ये एक बड़ी कंपनी बन जाए। तो 2008 में ये एशिया की नंबर वन कंपनी बन गई थी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी इंस्टॉलेशन। अब 2008 से इस कंपनी का टर्निंग पॉइंट आता है। देखिए इस कंपनी ने क्या किया, सुजलोन ने क्या किया, इतना ज्यादा कर्जा ले लिया दूसरी कंपनीज को एक्वायर करने के लिए कि इस कंपनी में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। अब इतना ज्यादा कर्जा लेने की वजह से क्या होता है कि आपके सिर पर बहुत बड़ी एक मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाती है कि आपको मंथली इतना इंटरेस्ट पे करना है। तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट बर्डन कंपनी के सिर पर आने की वजह से
एक लिक्विडिटी क्रंच कंपनी में हो गया, जिसकी वजह से इनको अपने डे टू डे ऑपरेशंस को भी रन करने में डिफिकल्टी होने लगी। तो ये वो टाइम था जब सुजलोन बैंककरप्ट होने वाली थी। ठीक है, तो जब कंपनी बैंककरप्ट होने वाली होती है तो वो अपने लेंडर्स को बोलती है, जहां से उन्होंने लोन लिया है, बैंक्स को बोलती है कि भाई आप थोड़ा डेट को रिस्ट्रक्चर करो, कुछ हमारे इंस्टॉलमेंट कम कीजिए या हमारा जो लोन का टेन्योर है उसको इंक्रीज कीजिए, ताकि हमारे सर पर जो ये इंटरेस्ट का बर्डन है हर मंथ वो थोड़ा कम हो सके। तो यहां पर 2008-09 में सुजलोन ने पहली बार अपना डेट को रिस्ट्रक्चर किया। तो डेट को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने 2009 में जो हैंसन ट्रांसमिशन कंपनी को एक्वायर किया था उसका 35% स्टेक भी बेचा। इससे भी डेट कम नहीं हुआ तो 2011 में उनको बाकी बचा कुचा स्टेक भी अपना हैंसन ट्रांसमिशन कंपनी का बेचना पड़ा। तो देखिए, जिन कंपनीज को सुजलोन ने एक्वायर किया था ये सोच के कि इन कंपनीज को एक्वायर करके सुजलोन का बिजनेस बढ़ जाएगा, एक दो साल के अंदर ही उन्हीं कंपनीज को सुजलोन को बेचना पड़ रहा है। और क्यों बेचना पड़ रहा है? सिर्फ इसलिए बेचना पड़ रहा है ताकि डेट थोड़ा कम हो सके। जो ज्यादा जितना ज्यादा कर्जा उन्होंने ले लिया है उस कर्जा से पीछा भी तो छुड़वाना है अब। तो ये था पहला फाइनेंशियल क्राइसिस 2009-2011 में। सुजलोन ने हैंसन ट्रांसमिशन को कंप्लीटली सेल आउट कर दिया, लेकिन इसके बाद भी कंपनी का जो है डेट कम नहीं हुआ। अब बात आती है सेकंड डेट रिस्ट्रक्चरिंग की। तो 2015 तक कर्जा बढ़ते 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 ब्याज पे ब्याज लगते लगते सुजलोन का जो डेट था, सुजलोन पे जो लोन था वो बढ़कर हो गया 17,811 करोड़। अब इस डेट को रिड्यूस करने का सबसे आसान तरीका जो है वो है एसेट्स को बेच दो और जो पैसा है उससे कर्जा उतार दो। तो सुजलोन ने क्या किया, जो जर्मनी की एक कंपनी उन्होंने सेनवियन एक्वायर करी थी 2007 में, अब उसको बेच दिया 7,200 करोड़ के लिए। और साथ ही साथ सुजलोन ने फ्रेश इक्विटी रेज करी 1,800 करोड़ की दिलीप सांघवी से। दिलीप सांघवी अगर आप जानते होंगे तो सन फार्मा एक लिस्टेड कंपनी है, ये उस कंपनी के प्रमोटर है। तो इन्होंने 23% सुजलोन में हिस्सा दिलीप सांघवी को बेचा 1800 करोड़ के लिए। आज की डेट में 2022 में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज की डेट में भी दिलीप सांघवी जो है इस कंपनी में शेयर होल्डर। सेकंड डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बाद कंपनी फिर से एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई और बीच में एक दो साल 2017-18 में कंपनी ने प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया। लेकिन कंपनी की जो प्रॉब्लम्स थी वो अभी खत्म नहीं हुई थी। फिर से क्या हुआ, देखिए, कंपनी का जो बिजनेस था वो ग्रो नहीं कर पाया, सेल्स जो है वो रेगुलरली कंपनी की ड्रॉप होती जा रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रही थी और लोन अमाउंट जो है फिर से इंक्रीज हो गया। चलिए अब रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 में फिर से लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल की वजह से, इंटरेस्ट और डेट पेमेंट की बर्डन की वजह से कंपनी फिर से बैंकक्रप्ट होने के कगार पर आ गई। अब क्या, कंपनी का जो कर्जा था 14,000 करोड़ के पास पहुंच चुका था। अब फिर से बैंक के पास दो ही ऑप्शंस थे, या तो सुजलोन के एसेट्स को बेच दिया जाए या फिर कंपनी को बैंकक्रप्ट डिक्लेयर करके एनसीएलटी में ले जाया जाए। दोनों ही ऑप्शंस में बैंक को बहुत ज्यादा लॉस होना निश्चित था। देखिए, या तो अगर ऐसे केस में अगर कोई कंपनी है जो जिसपे बहुत ज्यादा डेट है, अगर वो अपने एसेट्स को बेचने की कोशिश करेगी तो जो उन एसेट्स की फेयर वैल्यू है, जो उनकी वैल्यू होनी चाहिए, वो उसे बहुत सस्ते दाम पर उसको बेचने पड़ेंगे। और अगर बैंक्स दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं सुजलोन को एनसीएलटी ले जाने का, तो उस केस में भी बैंक्स को बहुत बड़ा हेयर कट लेना पड़ता है। आपने और भी बैंकक्रप्ट कंपनीज का केस सुना होगा, डीएचएफएल, अलोक इंडस्ट्रीज, रुचि सोया, सब केसेस में बैंक्स ने जितना लोन दिया होता, जितना पैसा लोन दिया था, उसका 20-30% ही मैक्सिमम वापस मिलता है अगर कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए। तो दोनों ही केसेस में अगर आप एसेट सेल करो या कंपनी को एनसीएलटी में लेके जाओ, बैंक्स की कुछ अच्छी खासी रिकवरी नहीं होने वाली थी। तो एक बार फिर तीसरी बार सुजलोन बैंकक्रप्ट होने से बच गई। और अब बात आती है थर्ड डेट रिस्ट्रक्चरिंग की। तीसरी बार बैंक्स ने लोन को रिस्ट्रक्चर किया। तो जो ये थर्ड डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान था, इसमें प्लान किया गया 14,000 करोड़ का डेट जो सुजलोन के ऊपर है उसको रिस्ट्रक्चर करने का। और साथ ही साथ प्रमोटर तुलसी तांती ने 392 करोड़ की फ्रेश इक्विटी कैपिटल इन्फ्यूज करी कंपनी में। चलिए देखते हैं थर्ड डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान था उसमें एक्चुअली में क्या था। तो जो थर्ड डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान था उसमें कंपनी के जो डेट को दो हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया। एक हिस्सा था अनसस्टेनेबल डेट, जिसमें 8,200 करोड़ के डेट को रिस्ट्रक्चर किया गया, रिस्ट्रक्चर करके इस लोन को लॉन्ग टर्म ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें बैंक्स के पास ऑप्शन होगा या तो 20 साल बाद सुजलोन इस लोन अमाउंट को वापस कर देगी या फिर बैंक्स इस कन्वर्टिबल डिबेंचर को कन्वर्ट करके इक्विटी में कन्वर्ट कर लेंगे। और बाकी का जो रिमेनिंग लोन था उसको बैंक ने सस्टेनेबल डेट की कैटेगरी में डाल दिया, जिस पर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिया 9% पर एनएम तक और उसका रीपेमेंट पीरियड भी एक्सटेंड कर दिया 10 सालों के लिए। तो गाइज, ये तो थी एक ब्रीफ हिस्ट्री सुजलोन कंपनी की। चलिए फटाफट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, अभी जो मैंने आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री इस कंपनी की बताई है, उसके बाद आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि कंपनी किस तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन में है, कंपनी का बिजनेस जो है वो कैसा चल रहा है। तो अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर भी नजर डाल लेते हैं, उससे कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो इसकी जो टॉप लाइन है, जो इसकी सेल्स है, वो कैसे हर साल रिड्यूस हो रही है। पहले 2012 में कहा 21,000 करोड़ थी, फिर 18,000, फिर 20,000, 19,000, फिर वहां से 9,000, 12,000, 8,000, 5,000, 3,000, 3,000, 6,000। तो आप देख सकते हो कंपनी का बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, बल्कि कंपनी का बिजनेस रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, कंपनी ज्यादा सेल्स नहीं कर पा रही और यही रीजन है कि कंपनी दो बार तीन बार डेट रिस्ट्रक्चर होने के बावजूद भी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई।
जब कोई कंपनी सेल ही नहीं कर पा रही तो वो कहां से अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर पाएगी और कहां से जो उसने डेट लिया हुआ है उसको रीपे कर पाएगी। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट भी आप देखो तो ये बड़े बड़े लॉस आपको दिख रहे हैं 2015 तक, फिर बीच में दो साल ये कंपनी थोड़ा प्रॉफिटेबल रही और वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सेकंड डेट रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से। लेकिन आगे जैसे जैसे देखिए यहां कंपनी की सेल गिरती गई तो कंपनी वापस से फिर से लॉस में आने शुरू हो गई और ऐसे केस में अब फिर कंपनी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था तीसरी बार डेट रिस्ट्रक्चर करवाने का। तो अभी भी फिलहाल 2022 में भी अगर आप देखो तो कंपनी लॉस में ही है। यहां अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ में अगर आप देखें तो यहां आपको एक प्रॉफिट का फिगर दिख रहा है 2250 करोड़ और इसका मेन रीजन है यहां अदर इनकम। ये अदर इनकम आप देख सकते हो 2487 करोड़ की है, तो डेफिनेटली इन्होंने जरूर कोई ना कोई एसेट जरूर सेल किए होंगे, उसी वजह से ये इनको अदर इनकम हुई है 2400 करोड़ की। और एसेट बेसिकली सेल इसीलिए करे जा रहे हैं बार बार कि वो अपना कर्जा उतार सके। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। चलिए अब इसकी बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो देखिए डेट यहां पर रिड्यूस हुआ है, 2015 में 17800 करोड़ था, उसके बाद डेट रिस्ट्रक्चर हुआ 11000 करोड़ रह गया, फिर 11 से 13 और अब 13 से 5000 4000 करोड़ हो गया। तो आपको लग रहा होगा शायद इसने डेट रीपे किया, तो डेफिनेटली इसने डेट रीपे किया है एसेट्स को बेच के। यहां अगर आप देखो 2015 में इसके पास 5800 करोड़ के एसेट्स थे और वो 2016 में सिर्फ 1500 करोड़ के रह गए, तो और आज के डेट में 2021-22 में आप देखो सिर्फ 1000 करोड़ के रह गए हैं। तो कंपनी क्या कर रही है, अपने एसेट्स को बेच के डेट उतार रही है। ठीक है, उसके अलावा यहां 2021-22 में अगर आप देखो यहां पहले इसकी 2020 तक शेयर कैपिटल 1000 करोड़ थी और 2021-22 में ये 3665 करोड़ हो गई, फिर 4067 करोड़ हो गई। तो इसका रीजन ये है कि जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन्होंने इशू करे हैं, जितनी बार भी इनका डेट रिस्ट्रक्चर प्लान अप्रूव हुआ लेंडर्स के द्वारा तो बैंक्स ने क्या किया, बैंक्स के पास जो लोन था कुछ ना उसके कुछ ना कुछ पोर्शन को कन्वर्ट करके इन्होंने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लिया। चलिए ये चीज कंफर्म हो जाएगी शेयर होल्डिंग पैटर्न से, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार इसके की फाइनेंशियल पर नजर डाल लेते हैं। बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, देखिए यहां हमने बैलेंस शीट में देख लिया रिजर्व्स नेगेटिव है, रिजर्व्स नेगेटिव है तो मतलब इक्विटी कैपिटल कंपनी की नेगेटिव है। ठीक है, तो इक्विटी नेगेटिव है तो इस वजह से यहां इसकी बुक वैल्यू भी नेगेटिव है। प्रमोटर की जितनी भी शेयर होल्डिंग है पूरी की पूरी गिरवी पड़ी है, बैंक्स के पास 100% प्लेज परसेंटेज है। ठीक है, स्टॉक पीई हम यहां कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, ईपीएस नेगेटिव है तो स्टॉक पीई नहीं आएगा यहां, प्राइस टू बुक वैल्यू भी नहीं आएगा क्योंकि बुक वैल्यू नेगेटिव हो गई, डेट टू इक्विटी भी नहीं आएगा क्योंकि कंपनी की इक्विटी भी नेगेटिव है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो यहां पर देखिए प्रमोटर की जो भी शेयर होल्डिंग है आपको हर क्वार्टर में गिरती हुई नजर आ रही है, धीरे 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 प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कम हो रही है। तो इसका रीजन क्या, क्या प्रमोटर अपने शेयर्स बेच रहा है, नहीं प्रमोटर शेयर नहीं बेच रहा, प्रमोटर शेयर बेच भी नहीं सकता क्योंकि प्रमोटर ने अपने शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं बैंक के पास। ये शेयर होल्डिंग इसलिए रिड्यूस हो रही है क्योंकि कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे नए शेयर्स इशू कर रही है, अपने जो लोन इन्होंने बैंक्स को दिया, बैंक क्या कर रहे हैं जो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिल पा रही, अगर लोन रीपे नहीं हो पा रहा तो उन लोन्स को कन्वर्ट करके इक्विटी में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से प्रमोटर की शेयर होल्डिंग यहां डिक्रीज हो रही है। और डीआईआईज अगर आप यहां देखो, डीआईआईज आपको पता ही होगा ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, तो जिन लोगों ने इसको कर्जा दिया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी बैंक्स ने, तो यहां आप देख सकते हो ये देखिए यहां 2020 तक 5% ही डीआईआईज का स्टेक था, 2020 जून में 16% हो गया। तो आप देख सकते हो बैंक्स की शेयर होल्डिंग इस कंपनी में इंक्रीज हो रही है। और सबसे अच्छी चीज जो मैं अगर आपको दिखाऊं, किसी भी शेयर से अगर आपने दूर भागना हो तो आप उसकी पब्लिक शेयर होल्डिंग चेक किया करो। देखिए यहां पब्लिक की शेयर होल्डिंग 61 से 65, 62, 62, 61, 62, 64, 65, तो सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग जो है वो इसमें आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो है वो इस कंपनी के शेयर्स को बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको मैं एक बहुत ही सिंपल तरीका बताऊं आपको अगर किसी कंपनी को जज करना है कि आपको उसको बाय करना है कि नहीं करना, उसकी पब्लिक शेयर होल्डिंग देखो। अगर रिटेल किसी शेयर को बाय कर रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स किसी कंपनी के शेयर को बाय कर रहा है, रिटेल इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग किसी कंपनी में इंक्रीज हो रही है, तो आप मान के चल सकते हो जो स्मार्ट लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बेच के भाग रहे हैं और जो इनएक्सपीरियंस नए लोग हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग इस कंपनी के शेयर्स को बाय कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको इस कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन का पूरा और पूरा अंदाजा हो गया, आपने देख लिया कंपनी का कैसा बिजनेस रहा है। तो अब फटाफट ओपिनियन पे आते हैं, आपको क्या करना चाहिए। देखिए इतनी बड़ी केस स्टडी को सुनने के बाद आपको इस कंपनी के बारे में सब कुछ पता चल गया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है 2007-08 से कंपनी बहुत ही भयंकर कर्जे में फंसी हुई है और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रही। हर 2-3 साल बाद कंपनी क्या कर रही है, अपने एसेट्स बेच रही है, कर्जा उतार रही है किसी तरह। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कर्जा उतर भी जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन समस्या कहां निकल कर आ रही है कि कर्जा नहीं उतर रहा। और कर्जा क्यों नहीं उतर रहा, क्योंकि कंपनी की सेल्स गिर गई है। कहां एक जमाने में ये 20,000 करोड़ की सेल करती थी 2012 में,
में, और कहां 2021 में ये 3,000 करोड़ की सेल्स कर रही है। तो आप इस चीज का खुद अनुमान लगा सकते हो कि कंपनी कितनी बुरी फाइनेंशियल सिचुएशन में है इस वक्त। अब हम बात करें कि क्या आप इसको बाय कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए क्या ओपिनियन होना चाहिए। देखिए, अगर आप इस कंपनी में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, आप ऊपर के रेटों में फंसे हुए हो, 300, 400, 200, 250, अगर आप ऊपर के लेवल्स में फंसे हुए हो, तो मेरा ओपिनियन आपको यही है, आप भूल जाओ इस शेयर को। आप ना तो इसको सेल करो, ना ही आप ये कोशिश करो कि इसके और शेयर्स बाय करके एवरेज कर लूं। आप इस शेयर को राइट ऑफ कर दो, आप सोचो ही मत कि ये आपके पास है, आपके लिए भूल जाना ही फायदेमंद होगा। और अगर आप नीचे के प्राइसेस में इस कंपनी में फंसे हुए, मान लीजिए आपने रिसेंटली इसको बाय किया है 7-8 रुपए में या 10-15 रुपए में, तो आप डेफिनेटली सोच सकते हो कि आप इस शेयर को सेल करके किसी अच्छे फंडामेंटल वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करने का, ठीक है। और जो लोग नए इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि ये एक पैनी स्टॉक है, 8 रुपए का शेयर है, बाय कर लेते हैं, क्या पता 20 का हो जाए, 50 का हो जाए, 100 का हो जाए, तो डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप इस शेयर से बिल्कुल दूर रहिए, इस शेयर को आप अवॉइड कीजिए।